आज 13 मई 2023 मानयोग हाई कोर्ट दे लॉर्डशिप एम रामाचंद्रा जस्टिस रामाचंद्रा दे आदेश अनुसार आज लोक अदालत लगाई गई है। आज दी जड़ी गुरदासपुर च लोक अदालत लगाई गई है, बटाले च उत्थे 3 बेंच लगे सके और साडे गुरदासपुर दे विच 5 बेंचेस लगाए गए ने। हुण तक दा डेटा जड़ा हैगा कोर्ट्स ने 1300 दे करीब जड़े मैटर्स टेकअप किए ने, जिन्हां चों 600 ते 10 केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके ने और टोटल अमाउंट 72,17,591 दी हुण तक जड़े मैटर्स ने जड़े हैगी है डिस्प्यूटेड अमाउंट आ उहदी सैटलमेंट हो चुकी है। कोर्ट च देखिया सर कि बड़ी अच्छी तरह समझाया जा रहा सी, चाहे वह फैमिली मैटर हो चाहे दूसरे मैटर हो, सर की डिफरेंस की रहिंदा है लोक अदालत और जड़ी आम सिविल कोर्ट्स होंदे? जड़ी रेगुलर कोर्ट है उहदे च कोई भी मैटर हो कई सालों तक चलता रहिंदा है, 1 साल 2 साल 3 साल। हुण जिवें रिसेंटली मैं उत्थों मैडम पल्लवी जज साहब की कोर्ट च आया, उहदा 6 साल का डिस्प्यूट चलता पिया। लोक अदालत का फायदा यह है कि वह अज ही आपसी समझौते दे नाल अज दी डेट च ही उहदा फैसला हो जाता, अवार्ड पास हो जाता और उहदी सब तो वधिया गल यह है कि पार्टियां दा आपस च जिहड़ा प्यार आ उह बनिया रहिंदा, किसी दे एक दूजे दे खिलाफ कोई ईगो नहीं रहिंदी। सर कई लोग केसा ने कि जिहड़े रह गए ने इस वारी लोक अदालत अपना केस लगाउण तो, नैक्सट सर कदों अपने केसिस लगा सकते? हां जी, जिहड़े लोग हुण रह गए ने उह क्वार्टरली जिहड़ी नैक्सट साडी लोक अदालत आएगी। वैसे यह जरूरी नहीं है कि असी क्वार्टरली ही लगानी है, मानयोग हाईकोर्ट दे इंस्ट्रक्शंस ने कि असी जिहड़ी हैगी आ प्री लोक अदालत भी लगा सकते हैं। प्री लोक अदालत का फायदा यह है कि जिहड़ी नैशनल लोक अदालत आएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।